रचना सिर्फ तोरा खातिर। बट एक बात याद रखिया, आज के बाद मोम ऐसा कुछ भी कर ली ना तो ना हम तोहार सुनब ना केहू और के सुनब। रचना हमरा खातिर तू और हमनी के बच्चा बहुत इम्पोर्टेंट बा। ओ गॉड जी, ई त फूस के बम निकले। हम तो यहाँ आग में घी डालत रहनी, पर आग भड़कब तो दूर, यहाँ तो एगो चिंगारी तक ना लागत। मिताली भजन करी भजन, तहार तो यहाँ दाल भी ना गले वाला। कुछ और सोच। अरे वाह, चाय और बिस्कुट, चाय के खुशबू तो बहुत अच्छा आ रहल बा। भाई बनल भी अच्छा होखी। ई तो कुछ ज्यादा ही अपन नंबर बढ़ावे में लागल बिया। खुश रह बेटा। अब लग रहल बा कि हम सच में जेठानी बन गई बानी। अब तो हमके भी केहू चाय पानी पूछे वाला घर में आ गई बा। दीदी अब चाय काहे ना पियत बानी? प्रज्ञा अभी तक आईल ना, जब तक हमके ही पता ना चलत कि वो कौनी टेंशन से गुजर रहल बिया, हमार गला से पानी तक ना उतरी। अभी यहाँ आवा बेटा। हाँ दासी। बेटा पूछ ले प्रज्ञा से कि वो कहाँ गई भी या अभी तक आयल ना। दासी हम फोन तो लगे ले रहनी, लेकिन उकर फोन लागल ना, वो बस आवत ही हुई। दीदी प्रज्ञा आ गई। अरे 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 अरे, तू रो काहे रहल बाड़ू? और ई सामान मामन केकर बा? रोई मत, सारा मेकअप खराब हो जाई। अब बताई तोके केहू मार ले बा की या कोनो एड फिल्म तेरे हाथ से चल गई बा? गॉड जी कमाल बा, ई तो रोवत भी घूर लेवे ले। बोलत सही, बैग केकर बा? ई बैग तनु के ह, तनु आज से यही घर में रही। घर में रही यहाँ काहे रही? ई तोहर कहाँ चल रहल बा प्रज्ञा? पहले रचना के लिए आईलू, अब तनु? ई घर के तू धर्मशाला समझ ले बाड़ू के? कि जब जी चाहल जेकर जी चाहल घर में लाके रख लेबू? यहाँ काहे रही? काहे के हम इससे वादा कैले बानी? प्रज्ञा बेटा, ई तो कौनो वजह ना बा, ना तो ई हमनी के रिश्तेदार भी है, ना ता कौनो लाचार बेचारी है जेकरे पास घर ना बा, फिर ही भला हमनी के घर में काहे रही? काहे की दादी आज ही बेबस हो और लाचार हो। दरअसल तनु के फ्लैट में आग लग गल रहे, और ए शहर में एकर कौनो रिश्तेदार नहीं थी। इनकर मम्मी पापा भी ये वक्त शहर में ना बाड़े। दिमाग में एगो आइडिया आयल रहे, यही से तनु से मिले जा रहल बानी। आजकल तनु के काम भी कुछ ठीक ना चल रहा बिया, वरना ये चाह तो कौनो 5-स्टार होटल में भी रुक सकत रहे। आज एकरे पास रहे खातिर कौन और जगह नहीं कि यही से हम एक ही यहाँ ले आयल बानी। एकरे घर में आग लग गई या ही हमरे घर में आग लगावे आयल बिया? पर हमनी के ही घर का है? मल्ली रिश्तेदार न बाड़े, पर दोस्त यार तो होखिए। अरे इतना बड़ मॉडल बिया, इतना लोग जाने ले के, कहीं भी रह सकेले ही। और जब तक फ्लैट ठीक ना होखत किराया के मकान में रह सकेले ही। और तू कहाँ अकेले के आयल बाड़ू? तू जाने लू ना कैसन बिया? हम सब जाने ली ताई जी। सर आप ना जाने की तनु आलिया के बेस्ट फ्रेंड है। ई मुसीबत के वक्त में हमने एक काम ना आई तो और किया आई, और हमने समझ में ही ना आ रहा कि दिक्कत का दिया। इतना बड़ घर है
एक कमरा में अगर तनु रह ली तो कमरा पड़ जाई, ई खाना कम पड़ जाई। ना ताई जी, ई बात के लेके ई घर में और कोनो बहस ना हुई। हम उहे करब जे हमके सही लगी। रॉबिन। यस मैम। मैम के सामान ऊपर वाला गेस्ट रूम में रख दा। अभी और आलिया हम तीनों मिलके तरह के ना निकाल पानी और तू अकेले। I mean, ये सब कुछ इतना जल्दी भाई कि यकीन ना हो रहा। ट्रूली यू आर अ मजिशियन। बट एक चीज हमके पसंद ना आई, हम के यहाँ ई रूम में रह के पड़ी। I mean, हम अभी के कमरा में कब शिफ्ट हो, कब वहां रह के चाहिए जहां अभी रहला, राइट? तरला सब कुछ बहुत मुश्किल है। बट अभी के रूम में हमके शिफ्ट करे खाते तरह पास बहुत टाइम बा, तब तक हम ये रूम में एडजस्ट कर ले। ओके ओके व्हाटएवर। तू ही बतावा तहार प्लान के नेक्स्ट लेवल, I mean, तू कब और कैसे घर से बाहर जाएगी? वो अभी सोचनी ना, लेकिन तू चिंता मत करी है। जॉनी तरह तरह के घर में ले आयल बानी, हम खुद ही घर से चल जाए। दादी के ऑलरेडी हम बहुत नाराज कर चुकल बानी, बस अब उनके नजर में खुद के थोड़ा से और गिरावे की बा, एगो और स्टेप और वो खुदे हमके ही घर से बाहर निकाल दी। आलिया हमार बेस्ट फ्रेंड बिया, पर हमके लगे कि हम उकरा साथे डील करके बहुत गलती करनी। अगर ये डील हम तारा साथे करनी होती था और तुझे अब कर रहा बारू पहले कर चुकल हो तू, और अब तक हमारा अभी के साथे शादी भी हो चुकल होगा और तू अपन घर जाके खुश तरह के आराम करके चाहिए था गैल होकू। हम रॉबिन से कह के तराला चाय वगैरह कुछ भेज दे। अभी I'm so happy, you know, अब हम तरह साथे परमानेंटली तहार घर में शिफ्ट हो गई नी। And I'm so happy, thank you so much, I love you. अभी, you know, बहुत टाइम हो गए तरह से अकेले में बात कहले। रात में जब सब सो जाइए तब तू हमार कमरा में आ जाइए, ओके? अरे हम तहरा कमरे में कहे हैं, रात के जब सब सो जाई हैं तो तू ही हमरा कमरे में आ जाइए। रियली थैंक यू सो मच, आई लव यू। अभी आई लव यू। तू ऐसे कहे देखा था तोरा के हमने की मिलल अच्छा ना लगे ला। ना हम की का प्रॉब्लम होगी, हम तो ये चाहता नहीं, हम की काम भी है। तू आ तो गई बाड़ू, पर कीप सम डिस्टेंस, ज्यादा चिपके की जरूरत नहीं है। अभी का भाई, अभी तो प्यार आवत रहे और ऐसे बात कर रहा बाड़ू। तनु तू ना समझबू, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। एक्सक्यूज मी। ना अब ना, जौन हम चनी हो रहा बिया तब दिल में कौन बात ना आवे के चाहिए। एक प्लान हो गए, दूसरा प्लान पूरा करेगी बा। लेकिन दादी कुछ कुछ कहानी का है ना, हमके लागल कि अगर हम तनु के घर ले आई तो वो हमके जरूर रोकी है, लेकिन वो तो कुछ रिएक्ट ही ना कही नहीं। ल
लागत पर अब डांटी है। तू घड़ी पहनले बाड़ू? जी। टाइम का भइल बा? 9 बज गई। 9 से 9 तो रोज बजी। पर तोहरे घड़ी में हमनी खातिर कोनो टाइम बाकी ना, या फिर तोहरा से अपॉइंटमेंट लेवे के पड़ी तोहरा से बात करे खातिर? हाँ, हमके बहुत काम भिया, हम बाद में बात करब। बात तोहरा के आजे करे के पड़ी, वो अभी के अभी। समझ लू कि ना समझ लू? इंदु जी, ई ऐसे ना मानी दूसरे घर के तरह, ऐसे भी बात करे के पड़ी उही लैंग्वेज में। सुन हमार बात, तहरा के ई समझावे के पड़ी कि सास बहू के रिश्ता में बहू के ना सास के चले ले। और वैसे भी हमनी दादी सास बानी, घी निकाले खातिर उंगली ही ना हाथ भी टेढ़ा कर सकीले। बहुत बेइज्जती सह चुकल बानी हमनी, अब तहरा के सबक सिखा के ही रह। चला, चला हमनी के साथ। अरे ना, अरे दादी हमार बात सुनी के ना, बात हर काम की बात। वैसे तो हम पहले भी घर में बहुत बार रह चुकल बानी, पर आज आज ही घर कुछ अपन सा लग रहल बा। तनु, हेलो। व्हाट द हेल, का कर रहल बानी? ये तो हम तहरा से पूछ रहल बानी कि तू का कर रहल बाड़ू। बोला का बोली? जे तू चक्कर चलवलू ना यहाँ घर में आके रहे के, ई सब सोचे के ना हमनी के चक्कर आ रहल बा। कहीं कुछ प्लान वन कई के हमनी के घर पे ना आयल बाड़ू? हम प्लानिंग कई के ही घर में आयल बानी। का प्लानिंग बात आहार, और तू का करे चाहत बाड़ू? वो सब कुछ हम आपके ना बतावे वाला बानी, समझ नहीं आप? हम के ना बतावे वाला, कम से कम इतना तो बता दी ना कि ई जे कर रहल बाड़ू, ई आलिया पूरब अभी प्रज्ञा, इनके बारे में तो ना कुछ। और सबसे बड़ बात, आलिया के बारे में पता बा? ना, आलिया के ना पता। ओके, हम सरप्राइज दे जब वो यहाँ वापस आए। आलिया के बिना पता ही बारे में? तनु, इजे तहार प्लानिंग बाना, इमे हमके भी शामिल कर ली ना, हम तहार हेल्प करब। हमके कोनो हेल्प के कोनो जरूरत ना बा, काहे कि हमके खुद के ना पता कि आगे प्लान में का करे वाला बानी। ई कैसन प्लानिंग बा कि तहरा ही ना पता ई बारे में? जे भी बा ई है प्लानिंग बा, और मेहरबानी कई के बात कहू के बताई हम मत, और हमार मामला में इंटरफेयर करके कोनो जरूरत ना बा आपके। कमाला, हमरे घर में आके हमके आंखें दिखा के हमरे मुंह पे दरवाजा बंद कर देला। खेल खेल चाहता डू ना, लेकिन हम भी मिताली हैं, एकरे राज के बारे में पता ना कहीं ना। चला। अरे लेकिन आप लोग, चल बेवकूफ, चला चल, आप चल, लोग चल, बैठ यहाँ। हाँ बैठ। अब का नाटक चल रहा बिया ताहर, हम कुछ बोल ना रहल तो तू जौन मर्जी कर। देखी आप लोग हमार बात ना सुन। काहे सुनी तहार बात? अब तक तहार सुनत आइल बानी ना, अब तू हमनी के बात सुन। देखी आप लोग तनु के बात लेकिन नाराज बानी, हमके डांटे चाहत बानी, तो हम पहले ही कह देत बानी कि तनु के यहाँ रखे के फैसला हम कर लेनी तो कर लेनी। अब ई मामला में हम केहू की ना सुनब, और अगर केहू तनु के ई घर से जाए खातिर कहलक तो फिर तू घर छोड़ के चल जाइबू, ये कहे चाहत बाड़ू ना तू? हाँ, बोले ले भी ऐसे जैसे सामान पैक कई के खड़ा बिया। बोला तबो धमकी, ना बोला तबो धमकी। और तोरा के कहलक कि जे तू करल बिया हम उसे नाराज बानी? मतलब तनु, तनु के ई घर में रहले से आप लोगन के ऐतराज ना बा? हमनी के ऐतराज काहे होखे, तू तो अच्छा काम कर रहल बाड़ू। अरे तनु आलिया के दोस्त बिया, और आलिया यहाँ होकर तो वो भी यह करत ना। और जरा सोच, अगर वो आलिया के दोस्त ना भी होखत तब वो तो हमनी ओकर मदद करती ना। बिल्कुल, वो जवान लड़की भला कहाँ जाई? तू अच्छा काम कैले बाड़ू, अच्छा ही ना धर्म के काम कैले बाड़ू। एगो औरत होके एगो औरत के दर्द समझ लू, का हमनी तहार दर्द ना समझब? ठीक बा, तो तनु सिर्फ आलिया की दोस्त ही ना, बल्कि ई परिवार के हिस्सा बन के रही यहाँ पे, हमनी के साथे रही और हमनी के साथे खाई, मतलब ओकर उठप बैठप खाना पीना सब सब परिवार के साथ होगी। ठीक बा, ठीक बा। किचन में भी काम करी। ठीक बा, आप लोग के साथे मंदिर में पूजा करी, ये तो और भी ठीक बा।
ओकरे साथ वैसे ने बर्ताव कल जाए जैसन बाकी परिवार वालन के साथ करल जाला। मतलब वो तीज त्योहार में हिस्सा ली और जैसे परिवार के बाकी सदस्य ला आवेला वैसे ओकराला मिठाई गिफ्ट्स कपड़ा आई हर त्योहार पे। हाँ हाँ काहे ना, तू कहबू तो ओकर नाम राशन कार्ड में भी डाल दे और तो और तनु के जगह तनु मेहरा कर दे। काहे दीदी? हाँ हाँ और कुछ और कुछ। आपके आपके सब मंजूर भैया? हाँ हमने जे भी करब तहरे हिसाब से ही करब। आप लोग के होगा गेल भैया, हम कुछ भी कर रहल बानी आप लोग मानत बड़े। सुन रहल बाड़ू दीदी, एक कर बात मानत तबो मुसीबत बा, ना मानत तबो मुसीबत बा। प्रज्ञा, हमनी के ऐसन काहे लागत बा कि तू जैसे जान बूझ के हमनी के गुस्सा दिलावे के कोशिश कर रहल बाड़ू? ना हम 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 ऐसन काहे करब भला। हम तो ये कहत रहनी कि अगर तनु की फैसला में अगर आप लोग हमरा साथ बानी तो हम तो खुश हो कब ना। तहरे खुशी में ही ता हमनी के खुशी भी आ। इधर आओ, इधर बैठ। देखा हमनी तार सब बात मान ली, मान ली कि न मान ली, और आगे भी हमनी तार सारी बात मानब। बस तू सिर्फ एगो बात छोट के मनबू हमनी के। बेटा अब थोड़ा सा हंस दी, कितना दिन से तार हंसत चेहरा ना देखनी हमनी, हंस द बेटा। हंस दो ना आप लोग, हम कुछ भी करी आप लोग गुस्सा ना करब ना। ना बेटा, बेटा तू तो हमार लाड़की बहु बाड़ू, तरह से गुस्सा हो कि हम कहां जाए। प्रज्ञा प्लान काम कर रहल बा, ओकरा पे असर हो रहल बिया। अच्छा दीदी, ई तो पता चल गई कि वो हमनी के जानबूझ के गुस्सा दिलावे चाहती है। मगर अब ई पता करे के बा कि वो हमनी के गुस्सा काहे दिलावे चाहती है, एकर वजह का बा। यस, कहीं एकर कनेक्शन तनु से तो ना बा? तनु ना ना, तनु से ही काहे, कौनो और कनेक्शन हो सकेला। ई तो सच में तनु के घर में ले आई, वो भी इतना आसानी से, केहू भी ऑब्जेक्शन ना लिहल, दादी तो कुछ कहली भी ना, वो तो अपन काम कर ले ली, अब हम का करी। का हो गेल भी आई दोनों दादी के? हम उनसे इतना रूढ़ होके बात कर रहल बानी पर उनके कोनो फर्क ही ना पड़ रहल। वो तो हमारा हर गलत बात अच्छा लग रहा भैया, ऐसे तो हमारा सारा मेहनत बेकार हो जाई, हम ही घर से कब जा ही ना पाई। बाकी एक बात तबा, तनु के घर में लावे के बाद ओकर ओकर चेहरा के रंग उड़ गई बा, जैसे वो चाहत नहीं के तनु यहाँ आए और हमने दोनों मिले। और जब हम तनु से कहली कि हमारे रूम में आ सकेली, तब ये सुन के तब प्रज्ञा के हालत ही खराब हो गई। फाइन, यह चाहत रहू ना तू, तब यह होगी और सब तहरा आँख के सामने हुई, फिर देखब तहरा फर्क कैसे ना पड़ेगा। जान बूझ के तनु के पास जाई और देखब तू कब तक हमसे अपना दिल के बात छुपेबू। यस, अब आई मजा। एक तो पहले ही तनु के इनके साथ देख के मूड खराब गया, ऊपर से दोनों दादी हमार मुश्किल बढ़ा रहल बानी, पर वो ऐसन काहे कर रहल बानी? कहीं इत दादी लोग से कुछ ना कहनी, जेकरा वजह से दादी लोग हमके कुछ बोलत ना बानी, जरूर ये कुछ कहले होखी। एकरा अच्छा लग रहा बाना टॉर्चर होखल, अब हम करब एकरा टॉर्चर। बोला तानी की कबर से अपन सामान निकाल के तनु के सामान रख दे। हाँ, अभी बोला तानी। आउच!
दिखाई नहीं खे दे तोरा के चश्मा हमके लागल बे और दिखाई आपके ना देत पा अकल नहीं खे तोरा में कमरा में आवे से पहले नॉक ना कर सकेलू कौन बेवकूफ होगी जे अपन कमरा में नॉक कई कई ई तहार कमरा कब से हो गई जब तक हम ई घर से जाई ना ना तब तक ही हमार कमरा हो हमके कुछ कहे के बा बोला आप कहा तू बोले खातिर अंदर आवत रहलू तो तू ही बोला आप भी तो बोले खातिर बाहर आवत रहले आप बोली देखा अगर हम पहले बोल देने तो हम तो हर एक ना सुनब हुँ? ठीक बा आप दादी से का कहनी दादी से का कहनी वे तम पूछ रहल बानी का कहनी आप दादी से अरे तू कोना बारे में बात करत तारू देखा सुबह उठे के बाद हम दादी से गुड मॉर्निंग कहनी ओकरा बाद हम दादी से कहनी के ना हम पूछ रहे बानी कि आप दादी लोग से हमरे बारे में कहा कहनी कि दोनों दादी बदल गई नी हम कौन बात कहनी और का मतलब बा कि दोनों दादी बदल गई बाड़ी दोनों के बिहेवियर बदल गए बा जो अनी बात पे गुस्सा करे के चाहे वो बात पे एक्स्ट्रा प्यार दिखा रहल बानी ओकरे बाद तू कहनी कि जे तू कबू वो हम करब हाँ हाँ आपके हंसी आ रहल बा आप हमार मजाक उड़ा रहल बानी एक तो हम इतना कोशिश कर रहल बानी आपके काम करेला और आप वेट बैठा हमार काम हम कब तोरा से कहली कि हमरा खातिर ये काम करा ये काम तू खुद के खातिर करा दारू और काहे करी हम तोहार हेल्प का रिश्ता बा हमनी के बीच में ना तो हमनी के बीच में पति पत्नी के रिश्ता बा और दोस्त तू हमके माने से रह तो जब हमनी के बीच में कोई रिश्ता बा ही ना तो वो मायने से या तो तू हमार दुश्मन हो सकेलू या अजनबी अजनबी तो हमनी बानी ना एकर मतलब तू हमार दुश्मन बाड़ू तो हम एको दुश्मन के मदद काहे करी काहे करी काहे करी एकर मतलब जब तक हम आपसे दोस्ती ना करब आप हमार मदद ना करी है ठीक बा हम आपके दोस्त बने खातिर तैयार बानी कितना सेल्फिश बाड़ू तू हां जब हम तोरा से दोस्ती करे खातिर कहले रहनी तब तो तू हमके मना कर देलू और आज अपना मतलब खातिर तू हमसे दोस्ती करे चाहत बाड़ू अब मोना का गारंटी बा के तू अपन फायदा खातिर दोस्ती ना तोड़ू ना ना हम का कह रहल की तू जोन भी कहत रहलू ना तू कहे में बहुत देर कर देलू और तोरा जोन कहे के रहे हम सुन लेनी अब सोचब और फिर जवाब देब कि तू हमार दोस्ती के लायक बाड़ू भी कि ना तब तक तू वेट करा I love you. मजा आ गई। अरे भैया एक किलो शिमला मिर्च सरला आंटी अरे रचना तू बेटा आकाश के साथ है सिंदूर भी लगा ले बाड़ो जी हाँ आंटी हमने दोनों शादी कर लेंगे शादी कब कहा कुछ पता ही ना चलल ओ आंटी सब कुछ इतना जल्दी में भइल ना कि केहू के बतावे के टाइम ही ना मिलल पर हमके तो लागल कि आपके पता हो कि बेटा जब तू केहू के बतैलू ही ना तो हमके कैसे पता चलल ना हमार मतलब प्रज्ञा दी तो हमनी के शादी करवनी है हमके लागल कि वो आपके बतावले हो कि प्रज्ञा ई दोनों के शादी करा देलक और हमके बतावलक भी ना आंटी जी आपके तो पता बा कि हमार फैमिली हमनी के शादी के कितना ज्यादा अगेंस्ट रहे और हमनियों में इतना हिम्मत ना रहे कि हमनी इस स्टेप ले सके और इस सब प्रज्ञा भाभी के वजह से भइल बा वो पूरा फैमिली के अगेंस्ट जाके हमनी दोनों के शादी करौली ना एंड द बेस्ट पार्ट इज आंटी हमार फैमिली हम दोनों के एक्सेप्ट कर लेलस चलो ये तो बड़ा अच्छा भइल देर से ही सही तू दोनों बहुत सही फैसला लेलक
और अब जब परिवार वाला भी मान गई बाड़े तो इससे अच्छा और का हो सकेला। वैसे भी जब शादी हो खेले ना तब परिवार वालन के दुआ आशीर्वाद बड़ जरूरी है ना, तो शादी ऐसे अधूरा से लागेले। यू आर राइट आंटी। अब एक सेकंड आंटी, फोन आइल हुआ है, हम आओ तनी। हेलो, हाँ वो अरे वाह, हमार बच्ची तब बहुते प्यारी लग रहल बिया दुल्हन बन के। देख लू बेटा, देर से ही सही, भगवान तोहार सुन ले ले और तोहार जिंदगी में खुशी ही खुशी आ गई। बस ईजे तोहार कुमकुम बाना हमेशा ऐसे ही बनल रहे। ओ देखो, बुलबुल के सूप खाते सब्जी लेवे आइल रहनी, हम ना सब्जी लेत बानी फिर साथ में निकल चलत बानी, ठीक बा? भैया जी एगो काम करी, वो आलू। हाँ आंटी। हाँ बेटा, आपसे एगो बात पूछी। हाँ पूछ ना बच्चा। वो प्रज्ञा देखे कौनो प्रॉब्लम बाका? प्रज्ञा ऐसे काहे बोल रहा बाड़ू? ना वो मतलब जब से हम शादी करके ससुराल गई बानी ना, प्रज्ञा दी बहुते अजीब बर्ताव कर रहल बानी, बहुत बुरा बर्ताव कर रहल बानी दादी के साथ। देख बेटा, तू का बोल रहल बाड़ू हमके कुछ समझ में ना रहल बा, जे भी बोले के बाद साफ साफ बता। चलना आलिया, सब तोहर इंतजार कर रहल बाड़े नीचे। तू नीचे आई वो तो अच्छा ना लगी। हम कहनी ना तू लोगन के हमके ना जाए के बा, सो प्लीज लीव मी अलोन, तू लोग चल जाई। इनफ इज इनफ आलिया, यार वी आर फ्रेंड्स ना, हमनी के भी तो टाइम दो। निशा, इनकरा बोला कि अपन मूड ठीक कर लेवे, वरना हम एकरा जबरदस्ती उठा के ले जाई। व्हाट डिड यू से? जबरदस्ती उठा ले जाई, वैसे ही जैसे हम तोरा बॉस्को के पार्टी में उठा के स्विमिंग पूल के पास ले गेल रहनी। वाओ, व्हाट एन आईडिया। आईडिया? का आईडिया? अरे सुन लू ना, ई का कालक ये हमरे दिमाग में पहले काहे ना आई। निशा तू एगो काम करी, तू पूरब के फोन करी और ओकरा के कही कि आलिया बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ले बिया, और रोहित ओकरा पे जोर जबरदस्ती कर रहल बा। यार हम कहा कुछ कर रहल बा। अरे असली में थोड़े ना रेप कर रहल बाड़ा, जोने तरीका से हमार पीए के एक्टिंग हो रहल बा, वैसे तारा के रेप करे के एक्टिंग करे के बा। आलिया में बहुत रिस्क बा, होटल की सिक्योरिटी हमके पकड़ सकेले और पुलिस भी हमके अरेस्ट कर सकेले। लिसन, उ सब कर ध्यान हम रखब, तू खड़ा खड़ा देख का रहल बाड़ू, जल्दी से पूरब के फोन कर। और हाँ ध्यान रखिए, यू नो साउंड डेस्परेट, ऐसे साउंड करिए जैसे कि हम बहुत प्रॉब्लम में बानी, वरना पूरब ना आई। सो यू हैव टू मेक दिस रियल, ओके? एकदम बिलीवेबल सिचुएशन बनावे के बाद। पर आलिया, फोन करी और एंड साउंड डेस्परेट, ओके? ओके। अरे तू खड़ा खड़ा का करल बड़ा, कोट उतारा, कम ऑन। ना आलिया, शट अप, रिमूव योर कोट। हेलो। हेलो पूरब, हम निशा, कहाँ बड़ा तू? कहाँ है? कहाँ भेल? एक्चुअली यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो गई बा, आलिया को ज्यादा ही पी ले बिया और ओकर फ्रेंड रोहित के साथ लड़ाई हो गई बा, रोहित के जबरदस्ती रूम के अंदर ड्रैग कर रहल बा, तो प्लीज जल्दी से आजा पूरब, हमके बहुत डर लग रहा बा, कहीं वो आलिया के साथ कुछ गलत ना कर बैठे। अब आलिया का रूम कहाँ बा? एग्जैक्टली तोरे रूम के सामने पूरब, प्लीज तू जल्दी से आजा, हमके बहुत डर लग रहा बा पूरब। डोंट वरी, हम अभी आवत नहीं। ओके प्रज्ञा, हमार सर में ना बहुत दर्द बिया, हमके कोनो दवाई मिल सकेला प्लीज? हम अभी ले आवत नहीं। यहाँ पे तो सब खत्म हो गया, हम कबर्ड में दिखता नहीं। अभी ओनो, इता दादी की आवाज है, हमके अभी के रूम में देख लेनी था। का लगत बता रखे? अभी तू इतना से घूंघट करके बैठबू तो हम तरह के अभी। ओह माय गॉड, दादी आ गई नी। बेटा प्रज्ञा कहाँ बिया? उब ई रहल ई। परी ऐसे काहे बैठल बिया? ओ का बना, आज ही एकर शादी भइल बा, एक हते नया नवेली दुल्हन की तरह घूंघट ओढ़ के बैठल बिया। हां मुंह छुपावतिया, ए मुंह छुपावत बाड़ू, दादी आइल बाड़ी, मुंह दिखावा। देखा ना, नया दुल्हन की तरह शर्मावतिया,
अरे हमरा से का शर्माइल, हम तोहर पति उ भी पुराना। चला मुखला दिखावा, आपका मुंह दिखाई के अलग से पैसा लेबू का? इट्स फनी हनी, आई एम कमिंग। कहा भाईल, दुल्हन के देख के तू पुतला काहे बन गई ला? ताहर तो रंग ऐसे उड़ गई जैसे तू कोनो भूत देख लेले होखा। हम उ अब अरे तू पीछे हटा, हमार बहू से बात करी दी हमने। ना आप 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 मैं आप ना कर सकेली। काहे ना कर सके नी? हमार मतलब है कि अभी एकरा से बात ना कर सकेली। अभी बात काहे ना कर सके नी? काहे कि यहां बिया, काहे कि प्रज्ञा यहां बिया ही ना। का तो ई के बिया प्रज्ञा के भूत बैठल बिया? हां वो ता भूत तबा दिमाग खराब हो गेल बा ताहर, हमार बहू के भूत बोरहल बाड़ तू। हां उ हमनी दोनों कुछ करत रहनी ओकरा बाद ही भूत बन गेल। का करत रहला तू दोनों? ना जैसे नाम समझता नहीं वैसे कुछ नहीं के करत रहनी, हमनी बस एक दूसरे से झगड़ा करत रहली। तो जब ही हमके बात से ना डरा पाइल ना, तब तब भूत बन के डरावतिया हमरा के चालू चुड़ैल कहीं के। चालू चुड़ैल? चालू चुड़ैल बोल रहा अभी ई केकरा के हाथ जोड़ल बाड़ा? ई हमके यहाँ रुके के काहे कहले? भगवान के दर्शन हो गए, अब प्रज्ञा के भी दर्शन कर ल तू। हमनी के भी तो देखे के बा, हमनी के सुंदर बहू चुड़ैल बन के कैसन दिखेले। अरे दासी बहुत खतरनाक दिख रहा बिया, आप देख ना पाए। अभी बहुत हो चुकल मजाक, हटा पीछे, हमके बात करी दी प्रज्ञा से। चुपचाप यही जे खड़ा रहो। इंदु जी चल घूंघट उठाओ एकर। हाँ। खाओ। ई का मजाक है? अरे दासी एक बार मुंह तो धोए दा, फिर ओकरा बाद इत्मीनान से मुंह दिखाई कर लिया जाए। अरे रहेदा रहेदा, हम बहू के ऐसा ही ये देख ले। अरे ऐसा चेहरा बच्चा और बूढ़ा खातिर ठीक ना हो खेला, अगर गलती से केहू देख लिया तब बच्चन के सदमा और बूढ़न के हार्ट अटैक हो सकेला। बोला मुंह दिखाई करी, चला धोके आवल जाए। अरे पता ना कुछ समझ में ना आ रहा बा दीदी। अरे रे रे हमके अंदर रहे खाते तनु यहां का करल बिया। अरे दादी तुम के चालू जुड़ैल काहे कहला? अरे ओ अरे पहले हमार बात के जवाब दी, दादी बाहर का करल बानी, आप हमरे सवाल के जवाब दे बतावा। तुम के जुड़ैल काहे कहला? अरे चुप तू, ना तो दे देखी। चुपचाप वहां पे जाके खड़ी हो जा, गो दैट। अरे लेकिन वो क्यों? चुप बैठा, ऐसे रहिए हमेशा खाते। ये आप का ऐसे कहाँ ढूंढत बानी? तू चुप रहो। ओ मैडम यहाँ आवा, पकड़ा एक रखे। काजल अब कान के नीचे लगाई, कबो लगे लू ना पहले? ना लेकिन आँख चुप रहा, आँख बंद करा। आँख बंद करा। अभी हाँ दादी बस बना और आवता नहीं। चुप चुप वहाँ पे जा। भाईल का बता बता नहीं बेबी, दो मिनट इंतजार तो करा। हो का रहलबा, ये चिल्लाई का है? का करत रहला इतना देर लगा दे? पता नहीं चेहरा पे अपन का लगा ले लिया, इतना कोशिश करे के बाद भी उन चेहरा से निकलत नहीं के। पर इ चिल्लाइल काहे? काहे के इ
आपन खुद के चेहरा ना आईना में देख ले ली, यह खातिर चिल्लात रह ली। अब तो देखे के ही पड़ी। हाँ अरे अरे अभी बेटा तू तू काहे कैला इका कैलू तू आपसी झगड़ा में अपना ही चेहरा बिगाड़ ले लू। हम ना दादी हम की तई कहले रही सब करे खातिर। हां हम कहले रही तू काहे कहला काहे के उ काहे की दादी ई रॉकस्टार बानी ने त ई गाना बनावे ले त इनकर जो नया गाना बना उ ई गार हल बानी त उम्मीद हम का कर रहे बननी गवार हल बड़ू। हाँ लेकिन मुझे गाना बना दादी वो जंगल जंगल में लेडीज टार्जन टार्जन लेडी टार्जन लेडी टार्जन या करोड़ोनी लेडी टार्जन के बारे में बात आई कहले की इंस्पिरेशन चाहिए हम के ये ऐसन बना के गाना बना दिले। तू ऐसन काहे करेला हमार बहू के इतना सुंदर सकल इतना प्यारी सकल बिगाड़ के रख देला सत्यानाश करके रख देला चंद्रमुखी के ज्वालामुखी बना के रख देला। अब ये वो काम कर अब एक बाथरूम में लेके जा और एक का चेहरा अच्छा से धो के ले आओ समझ गए ना। चला और सुना हमार बात हमार बहू के चेहरा के त्वचा के कोनो नुकसान ना होखे के चाहिए। त्वचा ही छील डालब त नुकसान कैसन का पील मास्क फेस मास्क के पील डालब त नुकसान कैसे होई मतलब चेहरा के जो रौनक बा उ इनफेक्ट और बढ़ जाई। ठीक बा अब देखा तू एकर चेहरा अच्छा से धोके लावा हमके इसे बात करे के बा तब तक हम और इंदु इंतजार करत बानी। अरे बैठत कहा बानी आप दोनों अरे, अरे बात तब... करे खातिर पूरा रात पड़ल बा और रात गेल का बात गई सुन। हमके दू दू गाना बनावे के बा हटाओ ई सब कहा अभी सीडीज सीडी हमके भी दिखाई दे रहल बा हम तार हरकत के बात कर रहल बानी काहे कहले तू ऐसन। हम कुछ ना कहनी सब कुछ तू ही कहले बाड़ हमके लेके जाके प्रज्ञा के ले आइला जैसे कि कोनो एक्सचेंज ऑफर चल रहल बा। अगर हम ई सब ना करती ना और दादी तरह के देख लेती ना तो जितना आसानी से तू ई घर में आइल बाड़ू उतना आसानी से तू बाहर चल जाई तू। इजी कम इजी गो और हमरा ला का बहाना बा आपके पास बेबी तरह खातिर बहाना ना गाना बा सुन लू सुना आप समझ लेगा अपने आप के रॉकस्टार करेक्ट घर में ना बानी यही से घर में इनका दादागिरी ना चली। अब का सोच के हमार फेस पे पेंटिंग बनाव ले अरे हम आपसे बात कर रहल बानी अब का सोच के हमार चेहरा बिगाड़ ला चेहरा तहार ब्यूटी ब्यूटी हम आपसे बात कर रहल बानी बात तहार फ्रूटी फ्रूटी हम बर्दाश्त ना करब दोबारा ऐसन बचकानी हरकत कैला ना तो हम तक का कर लेबू तू तरह के जौन करे के रहे तू कर दे लू हम जौन भी कहने उतरु के बचावे खातिर कहनी और तू तू का कहलू सारा ब्लेम हमरा पे डाल दे लू एक बार हमसे पूछते रहे तू आप पूछ ले रहला हमसे पूछ लो करा से जला जकरा पास दिमाग होखे हमरे पास दिमाग बा ओ सॉरी आपके पास ना बना हमरा पास दिमाग नहीं है। हां दिमाग हो तो मोबाइल एप्लीकेशन बनावत कंप्यूटर एप्लीकेशन बनावत गाना थोड़े ना बना गाना बनावे खातिर दिल के जरूरत होखेला जौन तोरा पास बाना काहे आपके आंख में एक्सरे मशीन है जे हमार सिनेमा में झांके देख लेले कि हमरे पास एक्सरे मशीन से तरह चश्मा में लागल बना ठीक है चश्मा में जाई काहे ना जाई तोरा चश्मा पे और चश्मा लगा के तोरा का दिखेला सोफा पे बैठे के वजह तू उस दिन हमार गोद पे बैठ गेल हलू ओकर का आप जे उस दिन बाथरूम में हमरा ऊपर गिर गेल रहलहु उ हम कहले रहनी जमीन पे साबुन छोड़े खातिर तो हम कहले रहनी बिना नॉक कैले अंदर आ जाई बाथरूम हमार बा बेबी तब ना जब हम अंदर होखी गाइस बस स्टॉप इट एक मिनट हम देख ले बाप के अच्छा तो दिन भर बैठ के करेलू का तू देख ले तो हम दिखा दे कि हम गेहूं से कम ना बानी। हम यहाँ आयल रहनी अभी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करे पर यहाँ आके तो हमारा टाइम और दिमाग दोनों खराब हो रहा है। आई थिंक आई वाज बेटर एट माय प्लेस तो दिखावा ना शो मी योर गॉड देखा देखा तो आप आगे मतावा हम का कर ले बानी हम बात कर ले।